हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के व्लॉग में कुछ लोग कनिष्क को तो देखकर के खुश होंगे ही, बट उसके साथ साथ लड़कियां जरूर खुश होने वाली हैं सरोजनी नगर मार्केट देख के। सरोजनी नगर जाने के नाम पे जितना ही खुश मैं होती हूँ, शायद उससे डबल खुश मेरा बेटा होता है। उसको पता होता है कि आज मम्मा जा रही है मार्केट, चाहे वो सरोजनी नगर हो या कोई भी मार्केट हो, उसको पता है कि आज मम्मा मार्केट जा रही है, तो उसका लिस्ट ऑफ थिंग्स इज रेडी। उसको पता है कि आज उसको स्पाइडरमैन लेना है, उसको कार लेना है, उसको जो भी कुछ चाहिए होगा वो अपना पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है कि मम्मी को किस तरीके से परेशान करना है। तो चलिए मेरे साथ आज के शॉपिंग पे चलते हैं। यहाँ हम घर से निकल गए, ऑलमोस्ट आफ्टरनून के टाइम पे हम निकले थे, अराउंड 2 PM, बिकॉज उस समय थोड़ा जाना ईजी रहता है। हम निकल गए, हमारे लिए हमारे घर से पास है तो हम प्रेफर करते हैं बाय कैब ही चले जाएं, और यहाँ हम पहुँच गए हैं सरोजनी नगर मार्केट। ये जितनी खुशी आपको अभी मेरी आवाज़ में दिखी है, उतनी ही खुश मैं हमेशा होती हूँ सरोजनी नगर मार्केट जाने के नाम पे। बट वहाँ से आने के बाद शायद मैं वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकती कि मेरी हालत कैसी होती है, बिकॉज अभी आप देख सकते हैं कनिष्क घुसते ही सबसे पहले मेरी गोदी में आ चुका है। हमने एंटर किया है सरोजनी नगर के बैक साइड वाले मार्केट से, जिसको बाबू मार्केट भी कहते हैं, बिकॉज हमें कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी। अगर आपको बच्चों की चीज़ें कुछ लेनी होती है तो आप सरोजनी नगर के बैक साइड वाला मार्केट ट्राई कर सकते हैं, वो बच्चों के कपड़ों के लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट करी, सबसे पहले कनिष्क को टॉय दिलाया, बिकॉज़ अगर उसको आप सबसे घुसते ही टॉय दिला देंगे तो वो थोड़ा कम क्रैंकी होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आगे जा आके टॉय नहीं लेगा, लेगा ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कुछ देर शांत रहेगा तो हम अपनी शॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं। इस स्टॉल पे इसको कोई टॉय पसंद नहीं आया, यहाँ पे 200-250 रुपये तक की चीज़ें मिल जाती हैं आपको, यहाँ 200-250 में अच्छे अच्छे टॉय मिल जाएंगे, लेकिन कनिष्क के पास ऑलरेडी बहुत टॉयज हैं तो उसको 200-250 वाली शायद पसंद नहीं आई। यहाँ पे टॉय पसंद नहीं आई, उसको पता है कि वो रेगुलर कहाँ से टॉय लेता है, तो ये शॉप है बाबू मार्केट में जहाँ से वो हमेशा टॉय लेता है। यहाँ पे हमने कुछ टिफिन्स देखे, कुछ टॉय। आजकल उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है तो उसको स्कूल बस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। हालांकि उसके पास स्कूल बस भी बहुत सारी हैं, बट उसको वहाँ पर उस शॉप पर स्कूल बस ही पसंद आई, तो हमने वहाँ से स्कूल बस और कुछ टिफिन बॉक्सेस ले लिए। इस शॉप पे जो लोग भी बच्चों के खिलौने या वाटर बॉटल, स्कूल स्टेशनरीज ये सब देख रहे हैं वो इस शॉप पे ज़रूर आ सकते हैं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े हैं जो कि मेन सरोजनी नगर मार्केट की तरफ, तो यहाँ से चलते हैं मेन मार्केट की तरफ। यहाँ पर कनिष्क की ज़िद देखिए, उसने एक पीछे टॉय देख लिया था और उसके बाद अगर उसको टॉय वो नहीं दिया गया, उसने अपनी जो हाथ में स्कूल बस ली थी वो भी उसको फेंक दिया था, फिर उसको किसी और ने उठा करके हमें हाथ में दिया। यहाँ जो आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देख रहे हैं, ये आपको 150 रुपये का पैर या कभी कभी 2 सेट भी मिल जाता है अगर आपके की बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप सरोजनी नगर आ रहे हैं तो आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी करके आइए, बिकॉज यहाँ आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। यहाँ हम बाबू मार्केट की तरफ से मेन सरोजनी नगर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको पिल्लो कवर्स, कुशन कवर्स, बेडशीट्स ये सब अच्छे रेट्स में मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ बेबी के क्लिप्स, हेयर बैंड्स, अगर मेरी लड़की होती तो मैं ज़रूर लेती, बट अभी फ़िलहाल कनिष्क है तो उसके साथ इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं हेयर बैंड्स या रबर बैंड्स लूँ। बट कई बार मैं अपने लिए भी वहाँ से बहुत सारे क्लचर्स, रबर बैंड्स ले लेती हूँ, जो कि 10 रुपये से स्टार्ट होकर अराउंड 100 में तो आपका पूरा हेयर एसेसरीज कम्प्लीट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों के क्रॉक्स या स्लिपर्स आपको डे टू डे वेयर के 100-150 तक में मिल जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने कनिष्क के लिए लिया तो जो मैंने शूज़ लिए थे वो मैंने उसके स्कूल जाने के हिसाब से लिए थे, बिकॉज अभी वो कैजुअल्स में जा रहा है तो मुझे ये शूज़ पसंद आए थे जिसमें लाइट जल रही थी, एंड ये वर्थ इट था। ये 450 रुपीज़ का अराउंड मुझे पड़ा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज कनिष्क ने उसको पहना, उसको लाइट्स पसंद है, तो अभी भी वो उसी एज ग्रुप में है, वो टॉडलर नहीं है, अभी वो किडी है, जिसमें उसको लाइट देख करके वो शूज़ पसंद आ गया था, तो वो शूज़ मैंने ले लिए थे इसके लिए। यहाँ पे हम कनिष्क का जो कज़न ब्रदर है शिबू, उसके लिए भी कुछ चीज़ें चेकआउट कर रहे थे, बिकॉज़ वो अभी छोटा है, वो मार्केट तो नहीं आ सकता, बट उसके लिए हम कुछ चीज़ें ज़रूर ले करके जाएंगे। यहाँ पे हमने लेडीज़ हैंडबैग चेकआउट किया जो कि 300-250 से भी स्टार्ट हो रहे थे,
पहले के टाइम में तो सरोजनी नगर में 100-100 रुपए के भी हैंडबैग्स मिलते थे, बट अब थोड़ा सा चेंजेस हो गया आफ्टर कोविड। तो हम लेडीज़ अगर कहीं जाएं और हमें कुछ 100-200 रुपए की चीज़ें दिखे और हम उसे ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ हम पहुँच गए, हमें 100 रुपए की कुछ चीज़ें दिख रही थी, हमने सोचा कि चलो चेकआउट करते हैं कि आखिर क्या मिल रहा है। यहाँ पे 100 रुपीज़ में वाटर बॉटल, प्लास्टिक ट्रेस, वाटर प्लेट्स, कप, ग्लासेस, ये सब आपको मिल सकते हैं। अगर आप एक वाटर बॉटल 100 रुपए में ले रहे हैं गर्मी के टाइम में, तो ये आपके लिए वर्थ इट है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये यूज़ हो ही जाएंगे। यहाँ फिर कनिष्क ने एक टॉय के लिए ज़िद किया, तो ये वाटर बबल वाला जब भी आता है तो ये बबल वाला इसको लेना ही होता है। तो इस यहाँ अब हम एंटर कर रहे हैं मेन सरोजनी नगर मार्केट में, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था बहुत से लोगों का। घुसते ही सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी है वो है ये 30 रुपए के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। यहाँ पे 30 रुपीज़ में ऑक्सीडाइज ईयरिंग मिल रहे थे, तो इनमें से मैंने भी कुछ लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इनमें से कौन सा पेयर लिया है, तो इसके लिए आप मेरे आने वाले व्लॉग्स को ज़रूर चेकआउट करें, बिकॉज़ मैं सरोजनी नगर हॉल में मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगी। ऐसे भी सरोजनी नगर आए और जंक ज्वेलरी और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं देखा तो फिर क्या देखा। यहाँ पे मुझे 30 रुपए के ईयरिंग सिलेक्ट करने में ही इतना टाइम लग गया था, और कनिष्क अपना बबल के साथ खेलने में लगा हुआ था, बिकॉज़ ज्वेलरी मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, बट कनिष्क के होने के बाद मैंने थोड़ा ज्वेलरी पहनना कम कर दिया, शायद इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। यहाँ पे आपको सूट मटेरियल, जो सलवार सूट मटेरियल होते हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं अच्छे रेट्स में, 450-500 तक में आपको अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर जेंट्स का पैंट 100-150 में आपको लोअर्स, टी शर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि आप आराम से ले सकते हैं। अगर आप घर में, इस समय तो गर्मी का टाइम है तो समर कलेक्शन ही चल रहा है, तो आपके हाफ पैंट, शॉर्ट्स, ये सब आपको 100-150 तक में मिल जाते हैं। यहाँ न्यूबॉर्न से लेके 3 साल तक के बच्चों का ड्रेस कलेक्शन बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाता है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 100 से लेके 800 में अगर आप बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हो तो यहाँ के कलेक्शन आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लड़कियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए फ्रॉक्स, स्कर्ट्स बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, और कलेक्शन भी बहुत सुंदर रहता है। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। इस मार्केट में मैं जब भी आती हूँ, मुझे अगर ईयरिंग्स दिखते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर देखती हूँ, भले ही मुझे लेना है या नहीं लेना है। बट यहाँ इस मार्केट में आने से आपको ये पता चल जाता है कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर 2 कदम पे 100-150 वाला वुमेन टी शर्ट्स और मेन टी शर्ट्स का सेल बोर्ड दिखते रहेगा, बिकॉज समर्स चल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि समर कलेक्शन ही आया होगा मार्केट में। मैं कनिष्क के साथ थी तो मेरे लिए ज़्यादा ही हर जगह जा कर के उसको कैप्चर करना इतना पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी जितना हो सकता है मैंने कैप्चर करने की कोशिश की आप लोग के लिए। सरोजनी नगर मार्केट में आपको ज़्यादातर क्राउड लेडीज़ का ही देखने को मिलता होगा, बिकॉज यहाँ पे लेडीज़ का ही कलेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेंस या फिर बच्चों का कलेक्शन नहीं होता। अगर आपको मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी है तो आपको पता होगा कि आपको बच्चों की चीज़ें कहाँ से लेनी है और मेंस की चीज़ कहाँ से लेनी है। अब हम आ चुके हैं बिग सी, जहाँ पे मुझे अपने लिए कुछ कलेक्शंस चेकआउट करने थे टॉप्स और ड्रेसेस में। अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ का प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 500 से लेके 4000 तक का। ये इस ब्लॉग का बेस्ट पार्ट है, जब कनिष्क मेरे लिए ये ड्रेसेस चूज़ कर रहा था, हम लोगों की हंसी यहाँ पे रुक नहीं रही थी कि कनिष्क की चॉइस देखो, ये जब अपनी मदर के लिए ऐसे ड्रेसेस पसंद कर रहा है तो ये आगे चल के क्या करेगा। जैसे यहाँ पे कनिष्क हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आया था, वैसे ही अगर आप व्लॉग इसका रेगुलरली देख रहे हैं तो आई होप आपको भी चेहरे पे ये उसी तरीके से स्माइल लेकर के आता होगा। यहाँ पे आपको मेन शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट 200-250 रुपए में मिल जाते हैं, जो कि आप घर पे डेली वेयर में पहन सकते हैं। अब यहाँ हम घूमते घूमते थक चुके थे, जितनी हमें शॉपिंग करनी थी हमने ऑलमोस्ट कर ली थी। यहाँ आप देख सकते हैं, अब रात भी हो गई है शॉपिंग करते करते,
तो अब हम प्लान कर रहे थे कि चलो कुछ खाते पीते हैं और जल्दी निकलते हैं। जितना लेट नाइट होता जाता है ये मार्केट की भीड़ और भी बढ़ती जाती है। आई होप आज का सरोजनी नगर हॉल ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने सरोजनी नगर मार्केट से क्या क्या ख़रीदा है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोग के लिए ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ और व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग्स। Thanks for watching. See you in the next vlog. Bye bye.